मेरे प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिलने पाए। मेरे प्रिय, हमारा प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से बहुत प्रेम करता है और उसने हमारे प्रेम के खातिर हम लोगों के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया। उसने क्रूस मृत्यु सही, जिसके जीवन से हम लोग बहुत सारी बातें सीखते हैं, उसके जीवन से हम लोग विश्वास की अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रार्थना के संबंध में और आत्मिक जीवन में दृढ़ और मजबूत होने के लिए परमेश्वर के वचन को सुनने और उसको पढ़ने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं हम लोग पाते हैं। अगर हम लोग प्रार्थना के बारे में विचार करें तो प्रार्थना के संबंध में हमारे सामने बहुत सारे नमूने, बहुत सारे आदर्श हम लोगों के सामने में हैं, हमारे आज के वर्तमान समय में भी और पुराने समय में भी, और बाइबल में तो भरे पड़े हैं। और उन प्रार्थना के आदर्शों के विषय में अगर हम लोग बात करें तो यीशु मसीह से बढ़कर और कोई बड़ा आदर्श नहीं है हमारे लिए। हम लोगों को लगता है कि हम लोग प्रार्थना कैसे करें, कहाँ करें, कब करें वगैरह, ये सवाल हमारे मनों में आते हैं। लेकिन बाइबल में इसके बारे में बहुत ही सुंदर जानकारी हम लोगों को मिलती है, इसकी शिक्षा हम लोगों को मिलती है। मैं आप लोगों के लिए मरकुस सचिव सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 35 पद को पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ प्रार्थना के संबंध में बहुत ही सुंदर बात लिखी हुई है, जो यीशु मसीह के पृथ्वी पर के जीवन की बहुत ही सुंदर घटना है। वो हम लोगों को मरकुस सचिव सुसमाचार पहला अध्याय 35 पद में मिलता है, जहाँ लिखा है, भोर को जब अंधेरा ही था वह उठा और बाहर निकलकर एकांत में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो परमेश्वर बहुत सारी बातें प्रार्थना के संबंध में मुझको प्रकट करता है और उन्हीं बातों को मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि प्रार्थना कब करनी चाहिए, उसका जवाब हम लोगों को मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, भोर को जब अंधेरा ही था। यीशु मसीह भोर को उस समय में उठा जब पौ नहीं फटा था, सूर्य नहीं निकला था, सभी लोग सो रहे थे होंगे, उसके चेले भी सो रहे थे होंगे। वह उठा और उठ करके वो प्रार्थना करने के लिए गया। तो ये यीशु मसीह के जीवन का एक अभिन्न अंग था, एक हिस्सा था। उसकी आदत थी कि वो भोर में उठ करके परमेश्वर पिता से बातचीत करे। उसके जीवन की प्राथमिकता परमेश्वर पिता था। वैसे ही हम मसीहियों के लिए भी प्राथमिकता परमेश्वर पिता होनी चाहिए और हम लोगों को उसके साथ भोर के समय में प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहिए। समय के संबंध में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि प्रार्थना कब करनी चाहिए, तो प्रार्थना के संबंध में कोई समय सीमा नहीं है। हम लोग जब चाहें हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग भजन संहिता अध्याय 46 पद 1 में पढ़ते हैं, जहां लिखा है, जहां दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा शरण स्थान और बल है और संकट के दिनों में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर को हम लोग जब भी पुकारते हैं, जब हम लोग संकट में रहते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि प्रार्थना करने की कोई समय सीमा नहीं है कि हम लोग कब प्रार्थना करें, लेकिन एक ऐसा समय हम लोगों को निश्चित करना चाहिए प्रार्थना के लिए, जिसमें कि हम लोग अपने परमेश्वर के साथ रूबरू हों, उससे बातचीत करें, उसके साथ समय व्यतीत करें। यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, हमारा उद्धारकर्ता है, परमेश्वर का बेटा है, उसके लिए भी प्रार्थना बहुत ही जरूरी थी। वैसे ही हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि विश्वासी व्यक्ति के लिए उसके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, मजबूत होने के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है, उसका अभिन्न अंग है। अगर प्रार्थना को एक विश्वासी के जीवन से अलग कर दिया जाए तो एक विश्वासी की कल्पना ही नहीं की जा सकती, उसके आत्मिक जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यदि हम लोगों को आत्मिक जीवन में मजबूत होना है, विश्वास में दृढ़ होना है, तो हम लोगों को प्रार्थना करना जरूरी है। लेकिन हम लोगों के लिए प्रार्थना का एक निश्चित समय होना चाहिए और भोर का समय अपने अन्य कार्यों को, दिनचर्या के कामों को शुरू करने से पहले
प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में समय व्यतीत करता था, वैसे ही हम लोगों को भी प्रार्थना में परमेश्वर के साथ में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात जो यहाँ पर लिखी हुई है, सबसे पहली तो हम लोगों ने देखा कि हमारे लिए प्रार्थना का एक निश्चित समय होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि वह एकांत में गया, एकांत स्थान में। यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे, दूसरी बात जो हम लोगों को प्रार्थना के संबंध में प्रकट होती है वो ये कि हमारे लिए प्रार्थना का एक स्थान या प्रार्थना का एक जगह निश्चित होना चाहिए, जहाँ पर हर दिन हम लोग परमेश्वर के साथ में संगति करें, उससे बातचीत करें। अगर हम लोग इस संबंध में प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में से देखेंगे तो हम लोगों को मत्ती रचित सुसमाचार उसके छठे अध्याय और उसके छठे पद में हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार बताता है। वह कहता है कि परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह बतला रहा है कि जब तू प्रार्थना करे, कहने का अर्थात मतलब है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करना कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग उसे करें या तो ना करें। प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह इसीलिए उसने कहा कि जब तू प्रार्थना करे, मतलब जब, समय को इंगित करता है। दूसरी बात कि प्रार्थना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि यदि तू प्रार्थना करे, वो कह रहा है कि जब तू प्रार्थना करे, कहने का मतलब है कि तुझको प्रार्थना करना जरूरी है, एक मसीही को प्रार्थना करना आवश्यक है। दूसरी बात स्थान के संबंध में, वो कहता है कि अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है उससे बातचीत कर, उससे प्रार्थना कर। पहली बात हम लोगों ने सीखी कि प्रार्थना करने का हमारा एक निश्चित समय होना चाहिए। वैसे तो हम लोगों ने देखा कि प्रार्थना हम लोग किसी भी समय कर सकते हैं, प्रभु को हम लोग जब पुकारेंगे वो हमारी सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के साथ हम लोगों को अपने जीवन का पहला भाग, अपने दिनचर्या को शुरू करने से पहला समय या अपने सुबह का पहला घंटा हम लोगों को प्रभु के साथ में समय व्यतीत करना है। दूसरा जो है वो स्थान के संबंध में, कि हम लोगों का एक निश्चित स्थान होना चाहिए जहाँ पर हम लोग परमेश्वर के साथ एकांत में व्यक्तिगत रीति से बातचीत कर सकें, उसके साथ अपना संबंध स्थापित कर सकें और हम लोग उसके साथ समय व्यतीत कर सकें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद कर। यीशु मसीह ने भी एकांत में जा करके प्रार्थना की, वैसे ही हम लोग भी अपने उन सारे विचारों को, उन सारे चिंताओं को, उन सारे क्रियाकलापों से और उन लोगों से अलग हट करके एकांत में परमेश्वर से बातचीत करें, जिस समय में हम लोगों को डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, हमारे प्रार्थनाओं में व्यवधान डालने वाला कोई ना हो, हम लोग खुल करके इत्मीनान से प्रभु के साथ में बातचीत कर सकें, जहाँ पर हम लोगों को कोई भी रुकावट ना हो सके। तीसरी बात वह प्रार्थना करने के लिए क्या, एक निश्चित उद्देश्य। पहली चीज एक निश्चित समय, दूसरी चीज एक निश्चित स्थान, और तीसरी चीज एक निश्चित उद्देश्य। और वो उद्देश्य ये था कि वो प्रार्थना करने जाए। किस लिए प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ में बातचीत कर सकें। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करने का, उसके साथ संबंध स्थापित करने का एक जरिया है, जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं और परमेश्वर अपने भेद की बातों को हम लोगों के ऊपर प्रकट करता है। यिर्मयाह अध्याय 33 पद 3 में बाइबल कहती है, इसमें परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन करके तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर खुल करके हम लोगों को आमंत्रित करता है कि हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना करने से किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें, उसमें किसी प्रकार की ढिलाई ना दें, क्योंकि ये हमारे आत्मिक जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 5 पद में,
कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रार्थना के द्वारा हम लोग यीशु मसीह रूपी दाखलता से जुड़ते हैं और उसके द्वारा जुड़ करके ही हम लोग अपने जीवन में फल लाते हैं। प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम लोग अपने जीवन में फल नहीं ला पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 16 पद में यीशु मसीह ने कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। अब हम लोगों के ऊपर ये निर्णय है और हम लोगों को ये फैसला करना है कि हम लोग किस समय में प्रार्थना करें, किस स्थान में करें और क्या करें, कैसे करें। ये प्रभु की इच्छा है, योजना है, हमारे लिए आज्ञा है, ताकि हम लोग इसका पालन करके परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में और इस पृथ्वी पर पूरी कर सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।